हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा शारदा छेत्री ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये देखिए, हम लोग गाड़ी निकाल चुके थे। इतना कीचड़ कीचड़ हो रखा था बारिश, आंगन मतलब हमारा आंगन जो बारिश के लिए इतना कीचड़ हो रखा था। तो ये जैसे तैसे करके सुबह ही निकाल लिए। तो हम लोग आ रहे हैं अभी गाड़ी में उठने के लिए, क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं हस्बैंड की ड्यूटी की जगह, क्योंकि इनका छुट्टी भी ख़त्म हो गया और बच्चे का स्कूल भी खुल गया, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। हालांकि लेट ही हुआ जाने में, क्योंकि बीमार हो गए थे तो थोड़ा लेट हुआ। और ये देखिए, सासू माँ भी जा रही है हम लोगों के साथ। तो ये मेरा बेटा और सासू माँ इधर बैठे थे पीछे, बैग वेग था थोड़ा सा, तो मैं बच्ची को लेके आगे बैठी थी। और घर के सभी जेठानी और दीदी लोग, भतीजी लोग, ये सब हम लोगों को बाय बाय कर रहे थे। वो लोग भी मन ख़राब करते जब भी हम लोग आते हैं, तो मतलब रोने ही लगते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दिन के बाद जाते हैं, तो मतलब उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, हंस करके हमारी मतलब छोटी बेटी के लिए, क्योंकि उन्हीं लोगों के घर में दिन भर वो रहती है, वहीं खाती है खेलती है, तो इसलिए मतलब उसी को मिस करती है सबसे ज़्यादा। तो वो भी आते आते भी बोल रही थी, मतलब बहुत मिस कर रही थी दीदी और उसके भैया को। तो बोल रही थी कि हम फिर से कब आएंगे, ये सब बच्चे हैं तो मतलब घर ही अच्छा लगता है सभी को, हालांकि घर ही अच्छा लगता है, फिर भी क्या करें, हस्बैंड के साथ बैठने का मन करता है तो फिर आने का भी मन हो जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारा जर्नी। तो मेरे साथ आप लोग दिखते रहिए, मेरा शुरू से मतलब कहाँ से जा रहे, कहाँ से कैसे कहाँ जा रहे हैं, मैं सब आप लोगों को दिखाती रहूँगी, आप लोग देखते रहिएगा मेरे साथ। तो ये देखिए, हम लोग जा रहे हैं रोड के मतलब दोनों साइड, इतना ग्रीन हरा भरा सा, और उसी में बारिश, कितना अच्छा लग रहा है। जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है ना, जो नेचुरल ब्यूटी बोलते हैं, वो तो मतलब हाँ यही देख के लगता है कि हाँ सच में ऐसा ही है। इतना अच्छा लग रहा था, बारिश हो रहा था, हालांकि दिन भर ही बारिश हुआ। तो देखिए, हम लोग अभी जा रहे हैं, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, आप लोगों को मैं दिखाती रहूंगी, तो देखते रहिए मेरे साथ। ये देखिए, अभी हम लोग आ पहुँचे हैं कलियाबोमरा ब्रिज, जो दिसपुर के सामने है, मतलब लंबा ब्रिज है। तो देखिए, बहुत लंबा था वो ब्रिज। तो ये देखिए, इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब धान जैसे लग रहा है ना, छोटे छोटे हो रखे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने आप लोगों को ये दिखा लिया, तो मेरे साथ देखती रहिए आप लोग भी, मैं क्या क्या दिखा सकती हूँ आप लोगों के साथ, मैं दिखाती रहूँगी। देखिए, लगभग हम लोग आधा रास्ता आ चुके हैं और आधा जाना है हम लोगों को, लगता है शाम हो जाएगा। तो पता नहीं मैं आप लोगों को कितना दिखा पाऊँगी, जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। आते आते बहुत थक चुके थे, बच्चे लोग भी मतलब बहुत बोर हो जाते हैं ना, जब लंबा सफ़र होगा एक मतलब गाड़ी में ही बैठना हो, बैठे बैठे वो लोग बहुत बोर हो चुके थे। मेरी बेटी को तो नींद आ रहा था, वो पूरा मुंह फुला के बैठी थी, क्योंकि मैं सोने नहीं दे रही थी, क्योंकि दिन में सोते हैं बच्चे तो फिर रात को सोएंगे नहीं फिर अच्छे से, इसीलिए मैं इसको सोने नहीं दे रही थी। ये देखिए, कितना अच्छा लग रहा है ना, तो मतलब पूरा हरा भरा पेड़, आसमान ऊपर से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। शाम होने को आया था, फिर भी हम लोग नहीं पहुंच रहे थे, क्योंकि बहुत दूरी है हम लोगों का घर से,
ड्यूटी की जगह, तो अभी थोड़ा और बाकी है, हम लोग लगभग पहुँचने ही वाले हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ रहेंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए, अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं। तो ये मैं दरवाज़ा खोली और ये बैग वेग लग के रखने लग गए, तो लाइट वाइट जला लिया मैंने। देखिए हमारा छोटा सा क्वार्टर। तो हम लोग आ गए थे, फिर रात हो गया था, मैं इतना वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी। फिर मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ का माहौल कैसा है, क्या क्या होता है यहाँ, कैसा होता है, जितना हो सके मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। बाय बाय।